इस वक्त हम क्रॉस कर रहे हैं जेलम के करीब त्राई जेलम के ऊपर विक्टोरिया ब्रिज को, और तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज है। तो दूसरी तरफ ये जो सरगोधा के लिए ट्रेन है ये भी प्लेटफॉर्म से निकल पड़ी है, हमारे साथ साथ पैरेलल एक्शन होगा, और यहाँ से मुझे लगता है कि इन ट्रेनों की रेस भी शुरू हो जाएगी। तो ये ट्रेन तो निकल गई हमसे आगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम जेलम। और इस वक्त हमारी ट्रेन जो है वो एंटर हो रही है जेलम रेलवे स्टेशन पर। तो ये सामने प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, तो हमारी ट्रेन को लिया जा रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। तो लास्ट एपिसोड में हमने जर्नी स्टार्ट की थी यहाँ गुजरहा से दिन्ना तक, और जिसमें बड़ी खूबसूरत जो सीनरीज हैं उसको एक्सप्लोर किया हमने इस रूट के ऊपर। इसके अलावा ट्रेन टनल में से गुजरी, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त एक्सप्लोरेशन थी। तो यहाँ पे होगा 2 मिनट का स्टॉप जेलम में, 2 मिनट स्टॉप के बाद फिर नेक्स्ट स्टॉप है हमारा आगे लाला मूसा रेलवे स्टेशन पे। तो लाला मूसा से पहले एक स्टॉप जो है वो खारियां कैंट रेलवे स्टेशन पे भी होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि मज़ीद आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सकें। जेलम में 2 मिनट का स्टॉप था, तो उसके बाद अभी हम जेलम से निकल आए। तो इस वक्त हम क्रॉस कर रहे हैं जेलम के करीब त्राई जेलम के ऊपर विक्टोरिया ब्रिज को, और तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज है। खारियां सिटी रेलवे स्टेशन को इस वक्त हम क्रॉस कर रहे हैं। छोटा सा रेलवे स्टेशन है और अंग्रेज दौर का ये बना हुआ रेलवे स्टेशन है, जिसमें ये एक लाइन है और इस वक्त हम मेन लाइन से गुजर रहे हैं नॉन स्टॉप। नेक्स्ट आगे चूँकि इसका स्टॉप होगा खारियां कैंट रेलवे स्टेशन पे। खारियां सिटी में इसका स्टॉप नहीं है लेकिन कैंट इसका स्टॉप है। इस वक्त हम खड़े हैं लाला मूसा जंक्शन पे, और तकरीबन 5 मिनट का यहाँ पे स्टॉप है। सामने भी एक ट्रेन खड़ी नज़र आ रही है, तो मेरा ख्याल है ये जो लाला मूसा से पैसेंजर ट्रेन जाती है सरगोधा की तरफ, ये वो ट्रेन है। जी 5 मिनट के बाद हमारी ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर हो चुका है लाला मूसा से। तो नेक्स्ट हमारा स्टॉप होगा गुजरात, और फिर उसके बाद अगला स्टॉप आएगा हुसैनाबाद।
तो स्टेशन इस वक्त तकरीबन बिल्कुल खाली है, कैंटीन्स वगैरह स्टेशनों की वीरान पड़ी हुई हैं, क्योंकि आजकल रमज़ान चल रहा है और रमज़ान में जो है वो लोग जो है सफ़र कम करते हैं, इसलिए ना तो ट्रेनों में इतना रश है और ना ही स्टेशन्स के ऊपर। तो दूसरी तरफ ये जो सरगोधा के लिए ट्रेन है ये भी प्लेटफॉर्म से निकल पड़ी है, हमारे साथ साथ पैरेलल एक्शन होगा और यहाँ से मुझे लगता है कि इन ट्रेनों की रेस भी शुरू हो जाएगी। तो चलें देखते हैं जी कौन सी ट्रेन अब जो है ना वो विन करती है। लेकिन सामने वाली जो ट्रेन है उनके तो ड्राइवर साहब ने पकड़ ली है अच्छी खासी स्पीड, और मुझे लगता है हम पीछे रह जाएंगे। हालांकि हमारी ट्रेन जो है ये जा रही है मेन लाइन के ऊपर, और ये जो ट्रेन है सामने वाली ये जाएगी 5 लाइन पे। तो यहाँ से कोई 1-2 मिनट का पैरेलल एक्शन होगा, तो कंपैरेटिवली इस ट्रेन की जो स्पीड है वो हमसे थोड़ी ज़्यादा है, ये पावर वैन। और ये लास्ट पे जी गार्ड साहब का डिब्बा है, तो गार्ड साहब भी बिल्कुल सुकून से बैठे हुए जा रहे हैं, क्योंकि निकलते हुए झंडी झंडी अपनी इन्होंने खिला ली हुई है। तो ये ट्रेन तो निकल गई हमसे आगे, यहाँ से ये जो है ना ये टर्न ले जाएगी ब्रांच लाइन पे सरगोधा की तरफ, और ये जिस रूट पे जा रही है ये ट्रेन निकलेगी सरगोधा मलकपाल, इसी तरह आगे जो है वो कुछ एरियाज आते हैं जैसे पिंड दादन खान वाला एरिया है, तो आई एम नॉट श्योर कि उस साइड पे जाती है कि नहीं, लेकिन मलकपाल सरगोधा भलवाल इस साइड भी उस ट्रेन का रूट होगा। तो चनाब एक्सप्रेस है ये, पहले जो कभी धमाका एक्सप्रेस के नाम से चला करती थी। फाइनली जी हम अपने डेस्टिनेशन जीनाबाद रेलवे स्टेशन पर एंटर हो रहे हैं।
ये खड़ी है जी नीचे हमारे वाली अवाम एक्सप्रेस, तो अब आगे ये निकल जाएगी लाहौर, और लाहौर के बाद फिर नेक्स्ट कराची की तरफ। और यहाँ इस साइड से हमारे रावलपिंडी वाली साइड से ये ट्रेन तो आ रही है पेशावर वाली साइड से, लेकिन हम इसमें सवार हुए थे रावलपिंडी से, तो इसका आई थिंक यहाँ पे क्रॉस है, और सामने से आ रही है तेज़गाम, और ये कल की कराची से निकली हुई है, और इसका जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो होगा आगे रावलपिंडी, यानी ये कराची से निकलती है और रावलपिंडी तक चलती है। तो ज़ीराबाद में इसका भी 2 मिनट का स्टॉप होते हैं, तो आज ये कुछ लेट आ रही है, आई थिंक तकरीबन कोई घंटा सवा घंटा लेट आई। ट्वेंटी थाउजेंड हॉर्स पावर का अमेरिकन लोकोमोटिव लगा हुआ है इसको, और ये जो तेज़गाम एक्सप्रेस से पाकिस्तान की जो नॉर्मल ट्रेन है उसमें इसका शुमार होता है। इसके साथ ही आज का ये व्लॉग यहाँ पे करते हैं ख़त्म। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।